Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यासर इन्फो टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आपसे माजरत है कि इतने दिन हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पाए, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। आज मैंने हज को पैसे वापस कब मिलना शुरू होंगे, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर की जानब से कहा गया है कि आज़मीन हज को 2 जुलाई से रकम की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तर्जमान मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत के महदूद हज के फैसले के बाद पाकिस्तानी आज़मीन को रकम की वापसी का फैसला किया गया है। 2 जुलाई से मुल्क भर के नामजद बैंकों से आज़मीन को रकम वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में आज़मीन को बज़रिया मैसेज इतलाक की फरामी शुरू हो गई है। तर्जमान ने मजीद बताया कि नकद रकम के हसूल के लिए दरख्वास्त गुजार को खुद बैंक आना होगा, ताहम चेक वसूल करने के लिए ग्रुप लीडर तमाम अरकान की असल दस्तावेजात के साथ बैंक आ सकता है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब की हुकूमत ने रवा साल महदूद हज को फैसला किया है। हम साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान हज की सादत हासिल कर सकेंगे, जबकि बैरूनी ममालिक से किसी को भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महदूद हज की इजाज़त का इतलाक न सिर्फ सऊदी शहरियों बल्कि तमाम हुकूमतों से मुताल्लुक रखने वालों शहरियों पर होगा। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।